सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो करण ओजला के जो टेल मी है उस गाने पे हम रिएक्शन करेंगे। सो जैसे कि ये गाना जो है अभी हाल ही में जब मैंने वीडियो बनाई नहीं थी तब ये गाना जो है वो लीक हो गया था और इसी वजह से जो है ये गाने पे जो है काफी लोगों ने रिएक्शन भी करे थे बट मैंने नहीं करे थे और ना ही मैंने इस गाने को सुना था। पर यह सुना था कि ये जो गाना लीक हुआ है इस गाने को लोग टेल मी भी बोल रहे हैं। ये गाने का नाम टेल मी भी हो सकता है या लाहौर भी हो सकता है। बट अभी जो मैंने अभी चेक किया तो करण ओजला ने अपने चैनल पर ये गाना जो है ऑडियो में यहाँ पर ड्रॉप किया है टेल मी के नाम से। सो गाने को चेकआउट करते हैं, गाने के अंदर क्या कुछ सुनने को मिलेगा तो वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि मैंने अभी तक ये गाना सुना ही नहीं है। मैं लाहौर तो लिया जे पा लेगी ता दस देनी, जे नी रेडी है जे कोई गल नहीं जे ना लेगी ता दस देनी, हले तक दिल किसे ना नी लाया जे ला लेगी ता दस देनी, असी करदे आ दिनों गोरिए जे चा लेगी ता दस देनी। तेरे बोला कोल पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस, तेरे कन्ना नाल सुने जवाब साडे नाम तो जमाना सारा मचदा कि नहीं दस, मैनू रख ला तू नाल जिवें रखदी रमालिया मैं बन जा तवीत तेरी हिकदा, असी घोड़े तेरी लोर चमकने असी मन दे शगन तेरी मारी हुई शिकदा, तेनू बोरिए जे शेर सुनावा वाह वाह कहेंगी ता दस देनी, गल मुकदी मैं गीत चमकावा जे मुका लेंगी ता दस देनी, तेनू सूट मैं लाहौर तो लिया जे पा लेगी ता दस देनी, जे नी रेडी है जे कोई गल नहीं जे ना लेगी ता दस देनी। अखा बिलियां मैं सिलनिया ना हुण दवा तेरिया अखा दे विचों रब मैनू देखदा, ना मैं शिव ना मैं पाश कूड़े सुन तेरे लई मैं किताबा विचों पढ़ के नी लिखदा, मैनू याद तू तगणे ना तरीके आला खिचती मैं लीके अज हो गए तीन वीक है, बस कट कर नखरे नू थोड़ा तेरे कन्ना विच पाइया हुईया वालियां ता ठीक है, तू आ बॉम्बे मैं पंजाब गोरिए जे इत्थे आ लेंगी ता दस देनी, साडी बेबे कुड़े रोटियां पकाऊ जे खा लेंगी ता दस देनी, तेनू सूट मैं लाहौर तो लिया जे पा लेंगी ता दस देनी, जे नी रेडी है जे कोई गल नहीं जे ना लेंगी ता दस देनी। ਹਾਲੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੀ ਕਾਲੀਆਂ ਫਰਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨੀ ਕੁੜੀ ਕੇ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਓਜਲੇ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ ਗਾ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬਚਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਚ ਸਾਹ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਪਾ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਨੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਪਾ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਨੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ। बट अगर ये गाना हमें वीडियो में देखने को मिल जाए भाई दोगुना मजा हो जाएगा क्योंकि इस गाने के जो लिरिक्स है ना वो ऐसे हैं कि एक प्यार वाली जो फीलिंग को जो कैच करते हैं ना वो कैची वाले लिरिक्स हैं इस गाने के जो कि करण ओजला लेकर आया, वो इस तरह से अमेजिंग लगा ये ट्रैक, आउटस्टैंडिंग लगा और इस गाने को आप बार बार सुनना इसलिए पसंद करोगे कि गाने में बात है क्योंकि गाने के लिरिक्स ही कुछ उसी तरह के। लाहौर से सूट लेकर आया तो पालेगी तो दस दे और किसी के लिए नहीं बस तेरे लिए लाया और इस तरह के जो फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, यानी कि करण ओजला की बात ही अलग है क्योंकि वो जब भी इस तरह के ट्रैक लेकर आते हैं ना इस तरह के गाने लेकर आते हैं तो अपनी फीलिंग को इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये बात ही बोली कि बस तू मुझे महसूस कर तू मुझे फील कर, वो एक फीलिंग वाली बात होती है ना तभी तुझे पता लगेगा कि मेरे अंदर यानी कि तुझे जो है मुझसे जो है कितनी फीलिंग है
कितना प्यार है, तो वो लाइंस जो थी यहाँ पर हमें सुनने को मिली है करण ओजला से। सो बस मुझे ये गाना जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी अच्छा लगे इस गाने के लिरिक्स, और साथ ही साथ करण ओजला जब इस तरह के ट्रैक लेकर आते हैं ना फीलिंग वाले, वो काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं। सो मुझे तो ये पर्सनली ये ट्रैक जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा, और आप बताइए आपको ये गाना कैसा लगा, क्योंकि आप सब लोगों ने इस गाने को सुन लिया होगा पहले ही और मैंने इस गाने को अभी सुना है, और आप बताइए इस पे मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।